इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले पर उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना पर ये कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय है। दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है और उसमें कई जवान शहीद हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस पर दुख जताया है। भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले पर उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि हमले में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर हमला दुखद है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शहीद जवानों के लिए राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सेना पर यह कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय है। दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करता हूं। हमले में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर यह हमला हुआ है, इसको राहुल गांधी ने दुखद बताया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी